बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, जी हां, दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी मुख्यालय में आज शाम 6 बजे ये बैठक होने जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल रहेंगे। तो बड़ी खबर, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य इसमें शामिल होंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। कई उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी बैठक बीजेपी मुख्यालय में आज शाम 6 बजे ये बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल रहेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य इसमें शामिल रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, कई उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने जा रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की ये बड़ी बैठक आज होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में आज शाम 6 बजे बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है शाम 6 बजे। स्पर्श शर्मा संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। स्पर्श, आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। भाजपा मुख्यालय में ये बैठक देर शाम होती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अमित शाह और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य इस बैठक में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार भाजपा मुख्यालय में कोर कमेटी की अलग अलग राज्यों की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, और जो हारी हुई सीटें हैं उसको लेकर एक मैराथन मंथन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जो है मिलता हुआ नजर आएगा। और सूत्र जो जानकारी दे रहे थे, करीब 100 सीटों पर जो मोहर है वो पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है, और उसमें ज्यादातर ऐसी सीटें देखने को मिलती हुई नजर आएंगी जहां पर जो हारे हुए सदस्य हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन मैं जो टॉप सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं, पहले 10 नाम ऐसे नाम देखने को मिलते हुए नजर आएंगे जिसमें प्रधानमंत्री की बात की जाए, जेपी नड्डा या फिर अमित शाह की बात की जाए, ऐसे नाम जो है फिलहाल जो प्रथम 10 नाम होंगे उसमें देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जो पूरा राजनीतिक समीकरण है वो पहले के मुकाबले अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ एकजुट विपक्ष, INDIA गठबंधन और उसको लेकर उनके तमाम जो उम्मीदवार हैं, यानी इस बार स्थिति जो है लोकसभा चुनाव में बिल्कुल परे दिखेगी अन्य चुनावों से पहले की। देखिए, बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में रणनीति जो है इस बार अलग तरीके से जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत जो काम है वो किस तरीके से जनता के बीच में लेकर जाने हैं केंद्र सरकार के, मसलन उज्ज्वला योजना की बात की जाए या फिर जो अन्य योजना है उसकी बात की जाए या फिर अब जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण होता हुआ नजर आया तो वो युवाओं के बीच में किस तरीके से लेकर जाएं, पिछली सरकारों ने जिस तरीके से इसको लेकर प्रयास नहीं किए वो किस तरीके से जनता को जो है बताए जाए, ये तमाम चीजें जो है वो जो है कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचाने को लेकर जो है विचार विमर्श पिछले दिनों देखने को मिलता हुआ नजर आया था ऐसे में। और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन साथ मिलकर लड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आई है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो ये तमाम ऐसे विषय है जिनको लेकर रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार बनाती हुई जो है नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल जानकारी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बीजेपी के कई उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी, दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी मुख्यालय में आज शाम 6 बजे ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल रहेंगे।